अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम सिस्टम लगाने आए हैं यहाँ पे। हमने पहले यहाँ पे लगाया था 3 किलोवाट की दो लगाए थे, 6 किलोवाट, उसके अंदर साथ साथ पैनल दिए हुए थे, लॉन्ची कंपनी के पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर हम जो है एक इन्वर्टर और एड कर रहे हैं 3 किलोवाट का, और 7 प्लेटें हमने और एड कर दी हैं। ये प्रॉपर तरीके से देखें, डक के ऊपर जो है गार्डर के ऊपर ये बना हुआ है फ्रेम, और 4 इंची का जो है चौरस पाइप लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखें आप 14 गेज में, और ये वॉक पे बनी हुई है इसकी। बाकी ऊपर गार्डर है, और ये इसकी सीढ़ी बना दी हमने प्रॉपर तरीके से, जो हमने इसको पूरा वर्क कर दिया है। बाकी इसमें अभी जो है 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं 3 किलोवाट के, नेटरॉक्स इन्वरेक्स कंपनी के। अब एक इन्वर्टर अभी हम इसमें ओवर एड कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 9 किलोवाट का हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाया था कि इन्वर्टर जो है ये इन्वर्टर लगे हुए हैं ऑलरेडी, और अभी हमने जो है इसके अंदर एक इन्वर्टर ऑर्डर करना है। ये फोनेक्स कंपनी की बैटरी लगी हुई है 4। बाकी इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, ये अभी हम एक को लगाएंगे, इन 2 को एक कर देंगे और ये इन्वर्टर अलग हो जाएगा। चलो जो 3 किलोवाट का नेटवर्क है ये IP65, इसके भी हम बुकिंग करते हैं। इसके साथ जो है मैनुअल यूज़र आ गई है, इसका वारंटी कार्ड आ गया है 5 साल की, इसकी फुल वारंटी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसका क्या क्या सामान है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ जो है बैटरी का सेंसर आ गया है, ये सीटीज आ गई है, और ये जो है पैर करने के लिए इसकी वायर आ गई है, ठीक है। बाकी इसका जो है ये वाइपर डोंगल आ गया है, तो काफ़ी अच्छा इन्वर्टर होता है ये 65 के अंदर। फिर बात 24 वोल्ट के अंदर आता है, 2 बैटरी इस पर लगती हैं, और ये इसका जो है पीवी का आ गया, और ये इसका जो है लोड का और सेकंड लोड का, बाकी कम्युनिकेशन वायर की सारी चीज़ें हुई हैं। और इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है 4 किलोवाट तक की आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। पीवी 4000 है ये, और इसमें 7 पैनल लगा रहे हैं जो तकरीबन 4000 बन रहा है इसका पीवी। कह सकते हैं हीट सिंक लगी होती है इसके ऊपर, फैन वगैरह नहीं होते, तो इसमें मेंटेनेंस फ्री होता है ये। ओके चैलेंज व्यूअर्स, ये अभी जो है हमने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। पहले जो हमने जो है ये 3 किलोवाट के 2 लगाए हुए थे, ठीक है, अलग अलग फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी हमने जो है ये एक नया लगाया है नेटवर्क 3 किलोवाट, ये नया मॉडल आया वाइट कलर में, ये पुराना मॉडल है तो ये ब्लू कलर में था। ये भी हमने ग्राउंड फ्लोर पर कर दिया है, और ये 2 जो हैं ये अभी हमने पैरेलल करके इसको फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया है। तो अभी आप ये देख सकते हैं पैरेलल हो चुके हैं, ये हमने दोनों को मिला दिया, 6 किलोवाट कर दिया। इसमें जो है न्यू बैटरी लाई है एक साइड की TR2500 ट्यूबलर, 4 बैटरी लाई हैं दोनों में अलग अलग, और इसके अलावा जो है इसके अंदर लॉन्जी कंपनी की प्लेटें लगी हुई हैं तकरीबन 14, और ये 7 अभी लगाई हैं, 21 पैनल हो गए टोटल, और 9 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम हो गया, जिसके अंदर से 6 किलोवाट का हमने एक पैरेलल कर दिया, और ये 3 किलोवाट का अलग है ग्राउंड फ्लोर पे। अभी इसका जो है ये डीबी बॉक्स है, ये अभी इसका हम जो है सोलर का ब्रेकर ऑन कर देते हैं, फिर इसके अंदर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी सोलर की। बाकी ये पहले के लगे हुए इसके अंदर सोलर का भी हमने ऑन कर दिया है, वोल्ट आ रहे हैं पूरे, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और इसके भी वोल्ट आ रहे हैं, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो डी बॉक्स में आपको दिखाया था, ये देखें आप, ये डी बॉक्स लगाए हुए हमने चिंड के, 2 ब्रेकर लगाए हुए इनपुट आउटपुट के, और ये वोल्टेज प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो ये सोलर के लगे हुए हैं, SVT लगी हुई है, ये बैटरी का ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी है, ये अभी 2 है, दोनों का एक हो गया है ये, और ये वाला जो है ये इन्वर्टर का हो गया है, इसके अंदर भी सेम हमने वही ब्रेकर लगाए हैं, SVT हो गई है, सोलर का ब्रेकर हो गया है, और 2 इनपुट आउटपुट है, और 1 बैटरी का ब्रेकर हो गया है, और इसका बैटरी हमने यहाँ पर लगा दिया है, और पुरानी बैटरी लगी हुई है फोनिक्स कंपनी की 4, वो 4 हमने इसमें पैरेलल करके दे दी हैं इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी है हमने कंप्लीट। देखें आप भी हम सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो दिए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। प्रोफेशनल काम है हमारा ये, और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तमाम सिस्टम लगाते हैं, चलता आपको तमाम सिस्टम हमारे पास प्रोफेशनल तरीके से आपको मिलेंगे। प्रोडक्शन ही चेक कर सकते हैं, पैनल की 3.7 तक गया है, ये 4 किलोवाट तक पूरा जा रहा है, यानी कि तकरीबन 90 से 95% एफिशिएंसी दे रहा है। 4 किलोवाट के पैन लगे हुए हैं और 3.7 अभी मैक्सिमम गया है, 2 बल्कि हो गई है तो ये कम हो गया है।
बाकी इसके अंदर जो है 1.5 आ रहा है और दूसरे के अंदर भी जो है 1.5 आ रहा है, तो 3 किलो वाट की प्रोडक्शन आ रही है और वहाँ से भी आ रही है।